70 के दशक में पर्यटकों को लुभाने के लिए बिहार पर्यटन विभाग की तरफ से देश का दूसरा और बिहार के पहले ध्वनि और प्रकाश केंद्र की स्थापना बक्सर में गंगा तट के किनारे की गई थी। इस ध्वनि और प्रकाश केंद्र के माध्यम से रामायण की महत्वपूर्ण घटनाओं को स्वरबद्ध कर चित्र के सहारे प्रस्तुत किया जाता था, जिसमें रामायण की चौपाइयों को भी गाया जाता था। पर यह विडंबना नहीं तो और क्या है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अवंदेश्वरी दुबे के हाथों उद्घाटन के 6 महीने बाद ही इस ध्वनि और प्रकाश केंद्र को वित्तीय घाटा दिखाकर बंद कर दिया गया। स्थिति यह है कि आज 40 साल बीत जाने के बाद भी इस ध्वनि और प्रकाश केंद्र की सुध लेने वाला कोई नहीं है। निजाम बदलते गए, घोषणाएं होती रही, पर अफसोस आज ये केंद्र अपना अस्तित्व खो चुका है। अभी आज का स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है। बगल में नगर परिषद द्वारा यहाँ शौचालय बना दिया गया है। ये एक भारत के स्तर का धरोहर चीज़ है जो चीज़ यहाँ कार्यक्रम दिखाया जा रहा था लाइट और साउंड के माध्यम से, लेकिन आज इसकी स्थिति लग रहा है कि बिहार में ऐसी बदतर स्थिति कहीं नहीं होगी। इसको क्या किया जा सकता है? इसको प्रशासन द्वारा और यहाँ के जितने भी आला अधिकारी हैं इस पर आज भी ध्यान दें। मामूली सी मरम्मत करने के बाद, यहाँ की साफ़ सफाई करने के बाद पुनः ये सही हो जाएगा। सारा चीज धरोहर ऐसे ही पड़ा हुआ है, सिर्फ मशीनरी डिस्टर्बेंस है। 2 एकड़ भूमि पर फैलाव लिए लाखों रुपए मूल्य से निर्मित केंद्र अब सरकार नहीं अपराधियों की गिरफ्त में है। सरकार ने परिसर की सुरक्षा के लिए गार्ड भी नियुक्त किए थे, लेकिन इन जुआरियों और अपराधियों के सामने वो भी बेबस हैं। उसका दर्द बहुत खुशहाल हो जाता था देखने के बाद। अभी क्या स्थिति है? अभी तो नरक जैसा बना हुआ, सब देखने के लिए आता था, थू-थू करता है कि तो आपके पीछे ये गड्ढा बना हुआ है, ये कैसा बना हुआ है? ये समुदाय शौचालय बनाया गया नगर परिषद द्वारा, उसी का गंदा पानी गिर रहा है। रिक्स है, काम यहाँ कुछ नहीं, लेकिन टेंशन बहुत ज़्यादा है। अगल बगल के लोग आते हैं, जुआ खेलते हैं, नहीं इसका बाउंड्री किया हुआ है, नहीं कुछ किया हुआ है, लवारिस की तरह है, कोई भी आकर के रात में मार सकता है या ठीक कर सकता है। जुएड़ी भी आते हैं? हाँ, जुएड़ी भी आता है, जुआ भी होता है, जगह जुआ वाले से कई बार मारपीट भी हुआ है। वहीं इस ध्वनि और प्रकाश केंद्र को फिर से शुरू करवाने और उसके अपने अस्तित्व में वापस लाने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि इस केंद्र को राम रूट से जोड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सदन के इसी सत्र में इसे पूरा किया जाएगा। ये रामायण सर्किट से बक्सर को हमने भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने मेरे आग्रह पर सदन में मैंने रखा था और कई सर्किट उन्होंने घोषणा किया है। बिहार में रामायण सर्किट, कांवरिया सर्किट, जैन सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, इन सभी सर्किट से जगह 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 को जोड़ा जा रहा है और क्रमशः फेज वाइज ऐसे वहाँ पर 50 करोड़ की राशि यहाँ के लिए रामायण सर्किट के लिए स्वीकृत हुआ है। और भगवान रामचंद्र जी पहली बार यहीं आकर के उन्होंने तारिकासुर का वध किया था, इसलिए भव्य यहाँ रामायण संस्कृति केंद्र भी हम इसको विधिवत रूप से स्थापित करेंगे। और उसके साथ साथ जो यहाँ रामायण ध्वनि और प्रकाश के द्वारा संयंत्र वो भी लगेगा, पंचकोशी यात्रा का भी जगह जगह उसको भी विकसित किया जाएगा। इसके लिए स्वीकृति सहमति हो गई है, राशि भी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था, लेकिन उसकी जो और फॉर्मेलिटीज है वो पूरा हो जाएगा। लगता है कि जल्द ही इस सत्र में हो जाए। स्थानीय सदर विधायक संजय कुमार तिवारी ने बताया कि वो इस मामले को सदन में उठा चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मामले को संज्ञान में लिया है। स्थिति नहीं, दयनीय स्थिति है, बंद हालत में है। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसके लिए गुहार लगाई है कि बिहार का सबसे पहला बक्सर जिला में लाइट एंड साउंड की स्थापना माननीय विदेश्वरी दुबे के द्वारा कराई गई थी, जो आज बंद है और यहाँ की सारी मशीनों को उठा करके कहीं दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा है। तो मेरे बक्सर जिला के लाइट एंड साउंड मशीनों को पुनर्स्थापित कर उसको चालू कराने का काम मैंने मांग किया है मुख्यमंत्री महोदय से, उस पर विधिवत कार्रवाई चल रही है। 1986 के पहले ये चालू हालत में था, 90 तक चालू था, 90 के बाद डेटोरिएट हुआ है, उसका वो बंदी कगार पहुंचा है 90 के बाद, 90 तक हम लोगों को याद है। लेकिन 90 से दुर्भाग्य ये रहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग का ध्यान उस पर नहीं गया, चूँकि स्थानीय लोग थे ही नहीं, स्थानीय लोग थे ही नहीं, ना विधायक के नाम पर स्थानीय लोग आया, और आए भी तो पटना के निवासी बनकर। जनप्रतिनिधि ध्यान दीजिएगा, मैं तो मांग किया हूँ भाई, ये तो मेरे द्वारा तो सदन में मांग किया गया है और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के
को एक ज्ञापन के माध्यम से भी मैंने इसको सूचना देने का काम किया है। एक ओर सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बक्सर को पर्यटन क्षेत्र में विकसित करने की बात कर रही है, वहीं अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा लाइट एंड साउंड केंद्र अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। जिले के पौराणिक क्षेत्र सालों से अधूरे पड़े हैं या बंद पड़े हैं और उन पर कोई विकास का काम भी नहीं हुआ। बहरहाल पर्यटन मंत्री ने इसके विस्तृत प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जल्द ही इस रामायण सर्किट का काम पूरा कर लिया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।